हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्ण कुमार। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ टैली ERP 9, जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे किस तरह हम टैली को ओपन करें एंड हाउ टू क्रिएट द कंपनी इन टू टैली। टैली ERP में किस तरह से हम एक कंपनी को बना सकते हैं और किस तरह से टैली सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर सकते हैं। तो टैली का सॉफ्टवेयर का जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, उसका आइकन या तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा या आप अगर देखेंगे तो स्टार्ट बार के अंदर आपका टैली आ सकता है। सर्च करके देखिए, टैली लिखेंगे आप। देखिए जिस तरह से मेरे इस पर आ रहा है टैली, इस पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते जाते ये ओपन हो जाएगा। ये आपका टैली ओपन हो गया। टैली जैसे ओपन होता है तो इसे अभी हम सीख रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हम इसे एजुकेशन मोड में खोलते हैं और लिखा हुआ है वर्क इन एजुकेशन मोड। अगर इस तरह की स्क्रीन आती है आपके सामने तो आप इसके लिए बैक एस्केप एस्केप का बटन यूज करेंगे और ये यहाँ आ जाएगा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी और उसी के नीचे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। तो अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे। इसके लिए आप सी प्रेस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर सी प्रेस करते हैं तो भी आप इसी के अंदर आ जाएंगे, और अगर आप कर्सर लेकर इस पर एंटर करते हैं तो आपका देखिए ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी, इसका मतलब है कि आपका डाटा जो टैली का है वो किस जगह सेव हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है सी ड्राइव यूजर पब्लिक टैली ERP 9 एंड डाटा। यहाँ पर आपका डाटा जितना भी आप काम करेंगे यहाँ सेव होगा। इसी के नीचे लिखा हुआ है नेम। नेम नेम में आएगा आपका कि आपकी कंपनी का क्या नाम है। तो कंपनी का जो भी नाम हो आप उस पर डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारा एक डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें लिखा हुआ है टेली ERP 9 असाइनमेंट 1 सेशन फर्स्ट। इसमें लिखा है क्रिएट अ कंपनी पासपॉइंट प्राइवेट लिमिटेड विद फॉलोइंग डिटेल। तो हमारी कंपनी का जो नाम है यहाँ पर हम पासपॉइंट प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे। तो इसी तरह हम इसमें भी डाल सकते हैं पास पॉइंट pvt.ltd। इसी के जस्ट नीचे दिखेंगे तो लिखा हुआ है मेलिंग एड्रेस और मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम जैसे कि हम जहां कंपनी का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रहे हैं तो क्यों सेंड करेंगे, कहां पर सेंड करेंगे, तो उसका नेम डाला गया। तो ये लगभग सेम ही रहता है। फिर नीचे पूछा गया है नेम के बाद एड्रेस, तो एड्रेस में इसमें हम डाल देंगे जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ है F3 42 संगम बिहार न्यू दिल्ली, पिन कोड इसका है ये। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया कंट्री, तो कंट्री हमारी इंडिया है, हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। आगे पूछा गया स्टेट, स्टेट में हमारा है दिल्ली, तो दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिए। पूछा पिन कोड, तो पिन कोड जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। कंपनी ने कॉन्टैक्ट डिटेल में पूछा हुआ है कि कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल क्या होगी, तो लिखा सबसे पहले फोन नंबर, फोन नंबर में हम यहाँ डाल देंगे 260 41 1 2 3, जो हमारे डॉक्यूमेंट के अनुसार दे रखा है। आगे देखेंगे मोबाइल नंबर, तो हम डॉक्यूमेंट में देख लेंगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 8010185817। पूछा गया फैक्स नंबर, फैक्स नंबर पहले एक मशीन हुआ करती है जो फैक्स का काम किया करती है, बट आजकल उसका यूज कम ही होता है। आगे बढ़ते हैं ईमेल, तो ईमेल चेक कर लेते हैं हमारा ईमेल क्या है। लिखा है passpoint123@gmail.com, तो passpoint123@gmail.com। वेबसाइट है हमारी www.passpoint.com। आगे पूछा गया है बुक्स एंड फाइनेंशियर, तो बुक्स आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है एंड फाइनेंशियर क्या रहेगा। तो फाइनेंशियर 1 अप्रैल 2017 रखते हैं हम। उसके बाद पूछा गया है बुक्स बिगिंग फ्रॉम, तो बुक्स कब से स्टार्ट होंगी। तो कुछ कंपनियां ऐसा होते हैं जैसे फाइनेंशियर तो रख लेती हैं वो, बट उसका जो बुक्स स्टार्ट होती हैं वो आपकी 1 अप्रैल के बजाय मई में जून जुलाई में होती है। तो वो आपको देख लेना है किस हिसाब से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, बट हम यहाँ पर अभी 1 अप्रैल ही रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो ये आपको नहीं डालना है। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड डालते साथ ही आपकी कंपनी का नाम तो हट जाएगा, सिर्फ डॉट डॉट स्टार्स आएंगे, और जिससे आप अपनी कंपनी का नाम
भूल जाएंगे, तो अभी इसे यूज मत कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। पूछा गया यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आपकी कंपनी का पासवर्ड दिखाई देगा और नाम भी दिखाई देगा आपको। पूछा गया नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ आप डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल देता हूँ पास पॉइंट पासवर्ड 123456 123456। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है यूज टेली ऑडिट फीचर, तो इन फीचर से यूज करेंगे तो इसको जब यस कर सकते हैं। अब नीचे पूछा गया डिस अलाउड ओपन इन एजुकेशनल मोड, इसे अभी आपको नो ही रखना है। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, करेंसी का इंफॉर्मेशन आपको क्या रखना है तो वो ये दिखा रहा है। पूछा गया है बेस करेंसी सिंबल्स, तो करेंसी सिंबल्स हमारा यही रहेगा। आगे पूछा गया फॉर्मल नेम, तो INR ही होता है फॉर्मल नेम। पूछा गया है सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, तो अमाउंट का क्या सफिक्स सिंबल लेना चाहिए, तो हम कोई आगे पीछे नहीं लगाना चाहते इसे नो कर देंगे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, यस स्पेस तो होना चाहिए दोनों के बीच में। अमाउंट शो इन मिलियन, नहीं हम मिलियन में शो नहीं करना चाहते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लगभग दो प्लेसेस का डेसिमल प्लेस होना चाहिए। जो है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसे होने होते हैं। आगे पूछा गया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, हमने कहा दो होना चाहिए। पूछा गया एसेट, जैसे आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें इसका आपका पासवर्ड और नेम मांगेगा। देखिए कंपनी का पास पॉइंट कंपनी है, इसका यूजर नेम मांग रहा है, तो हमने लिखा था पास पॉइंट, पासवर्ड डाला था 123456, कंपनी ओपन हो जाएगी 123456। देखिए कंपनी ओपन हो गई, लिखा हुआ है पास पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, यह अभी कंपनी का नाम है, फाइनेंशियल लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच।